हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम समाकलन क्रमशः चैप्टर के अंतर्गत बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 15.6 के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। तो आज की क्लास में इस प्रश्नावली 15.6 के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं 1 अपान a+-b cosx तथा 1 अपान a+-b साइन एक्स के टाइप के फलनों का समाकलन। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन हम कैसे करते हैं? तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए आप लोगों को दो फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, कॉस एक्स का फार्मूला पढ़ चुके हो, हाफ एंगल के पदों में क्या पढ़ चुके हो, 1 - tan² x/2 अपान में 1 + tan² x/2, इस फार्मूले को आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, साइन x इक्वल टू हमने पढ़ा है 2 tan x/2 अपान में 1 + tan² x/2। इन दोनों फार्मूलों को आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए हम इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमने पिछली प्रश्नावली पढ़ाई है 15.5, ठीक है, उसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यदि आपने इसकी पिछली क्लास अभी नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने इस प्रश्नावली 15.6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को नोट किया है, क्योंकि इस प्रश्नावली में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है। तो बहुत छोटी प्रश्नावली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 3 क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करोगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फलन दिया गया, सर्वप्रथम उसको आप आई के बराबर मानिए। आई स्क्वल टी आपका हो जाएगा 1 अपान 3 + 2 cosx और इंटू में आपका हो जाएगा dx। फार्मूला अभी हमने आपको बताया cosx का, लगाइए। आई स्क्वल टी आपका हो जाएगा 1 अपान 3 + 2 cosx का फार्मूला क्या होता है, 1 - tan² x/2 अपान में होता है 1 + tan² x/2 और इंटू में ऊपर आपका हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा आई स्क्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज़ ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 1 + tan² x/2 अपान में आ जाइए। देखिए, इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 + 3 tan² x/2 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 और 2 का मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस का 2 tan² x/2 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। ये आपका हो जाएगा आई स्क्वल टू, देखिए 1 + tan² x/2 किसके बराबर हो जाएगा, sec² x/2 के बराबर हो जाएगा। अपान में आ जाइए, थोड़ा हम अच्छे से इसको लिख देते हैं। अपान में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 3 tan² x/2 से माइनस का 2 tan² x/2 जाएगा तो ये आपका प्लस का tan² x/2 बचेगा और इंटू में आपका हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, आई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो sec² x/2 अपान में, इस 5 को आप लिख सकते हो √5² और इसको आप लिख सकते हो tan² x/2 और इंटू में dx। आप देख सकते हो कि अंश में tan² x/2 का अवकल गुणांक दिया है, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना tan² x/2 = t, tan² x/2 का अवकलन होता है sec² x/2, x/2 का अगेन करोगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटू में dx = कितना हो जाएगा dt। क्योंकि यहाँ पर आपको sec² x/2 dx की जरूरत है तो sec² x/2 dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 dt। अब जब वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा एक एक स्टेप को। देखिए, ये आपका हो जाएगा i = समाकलन ऑफ sec² x/2 इंटू dx के स्थान पर आप ले सकते हो 2 dt, यहाँ पर 2 dt है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 dt, अपान में आ जाइए, ये आपका हो जाएगा √5² और प्लस ये आपका हो जाएगा t², ठीक है। 2 आपका बाहर हो जाएगा, अचर पद है समाकलन करते वक्त, ये आपका हो जाएगा dt अपान में √5² प्लस t². क्लियर है? अब ये किसका फार्मूला है, 1 अपान a tan inverse t/a का, तो ये आपका हो जाएगा i = 2 1 अपान a, यानी 1 अपान √5 हो जाएगा tan inverse t/a, तो t/a के स्थान पर आपका √5, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, i = आपको मिल जाएगा 2 अपान √5 tan inverse, t किसके बराबर था हमने माना था tan x/2 के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा tan x/2 और अपान में √5।
ये आपके इस क्वेश्चन नंबर वन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना। ये तरीका याद रखना कि जब भी आपको 1/(a+-b)cosx या 1/(a+-b)sinx के रूप का फलन दिया हो तो आपको क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स के हाफ एंगल के फार्मूले को अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी कॉस एक्स वाला था, ये भी कॉस एक्स वाला है। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन, ये आपका साइन एक्स के पदों में है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस साइन एक्स के हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको जो फलन दिया गया है, आप इसको आई के बराबर सर्वप्रथम मानिए। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1/(12-13) साइन एक्स और इंटू में आपका हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ ऊपर आपका हो जाएगा डी एक्स अपान में हो जाएगा 12-13। साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 tan x/2 अपान में 1 tan² x/2 और इंटू में आपका डी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 tan² x/2 ऊपर जाएगा कब, जब 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 tan² x/2 और इंटू में डी एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12 tan² x/2 और माइनस का 13 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आपका हो जाएगा 26 tan x/2। क्लियर है? आप देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ, इसके स्थान पर हम ले सकते हैं sec² x/2 और इंटू में dx हो जाएगा अपान में आ जाए, इसको हम ले सकते हैं प्लस का 12 tan² x/2 माइनस का 26 tan x/2 और प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम tan x/2 = t मान लेंगे, क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना tan x/2 = t, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 sec² x/2 और dx = कितना हो जाएगा dt। क्योंकि यहाँ पर हमें sec² x/2 dx की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, sec² x/2 dx को रोक लेंगे, 2 को उधर पछांतर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा sec² x/2 dx = आपको हो जाए मिल जाएगा 2 dt। क्लियर है? अब जब ये वैल्यू इस फलन में हम पुट करेंगे तो ये पूरा फलन आपका टी के पदों में हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू sec² x/2 डी एक्स इक्वल टू आपका कितना है 2 dt, 2 आपका बाहर हो जाएगा और dt हो जाएगा अपान में आ जाए तो 12, इसको हमने टी माना है टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan² x/2 है, माइनस का 26 t प्लस का 12। अब इस टाइप के फलनों का समाकलन करने हमने आप लोगों को बताया है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम जो x² का गुणांक होता है, यानी जो आपका वेरिएबल होता है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसका जो गुणांक होता है उस गुणांक को हम कॉमन ले लेते हैं उस पूरी समीकरण से, यानी इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो आपका 12 है, तो हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 2/12। क्लियर? ये आपका हो जाएगा डी टी अपान में 12, हमने कॉमन लिया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 26/12 t और प्लस का, ये देखिए 12 के बटे में 12 आएगा, ये 1 आपका हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो आपका एक्स का गुणांक होता है, यहाँ पर टी है तो जो टी का गुणांक है इसका हाफ करेंगे, हाफ करने के पश्चात इसका स्क्वायर करेंगे, जो मिलेगा उसको इस समीकरण में हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिला है 26/12, इसको हल करोगे तो ये 13/ कितना मिलेगा 6 मिलेगा, इसका हाफ करोगे तो 13/ कितना हो जाएगा फिर 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 169/144, इतना इस समीकरण में हम ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए इसको आप कट कर सकते हो 2 × 2 = 2, 6 × 12 तो हो जाएगा 1/6 समाकलन ऑफ, ऊपर आपका हो जाएगा डी टी और अपान में आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ये आपका हो जाएगा 13/6 t, इसमें ऐड कर देंगे 169/144 और प्लस का 1 है तो 1 लिख लीजिए और सबट्रैक्ट कर देंगे 169/144।
ओके ये आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपान सिक्स समाकलन ऑफ डी टी अपान में। ये देखिए ये आपका फार्मूला बन जाएगा टी माइनस थर्टीन अपान ट्वेल्व का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे देखिए 144 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और माइनस 169 यानी आपको मिलेगा माइनस का 25 अपान 144। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो आई इक्वल टू 1 अपान 6 समाकलन ऑफ डी टी अपान में। देखिए ये आपका हो जाएगा टी माइनस 13 अपान 12 का होल स्क्वायर और माइनस 5 अपान 12 का होल स्क्वायर। ठीक है क्योंकि 5 अपान 12 का होल स्क्वायर आपका होगा 25 अपान 144। क्लियर है इतनी बात। आप देखिए यहाँ पर ये आपका सूत्र बन गया। मैंने आप लोगों को समाकलन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बताया है कितना होता है 1 अपान 2a log ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए अपान में x प्लस ए। इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 6 इंटू में 1 अपान 2 इंटू ए ए के स्थान पर 5 अपान कितना है 12 है। ओके और इनटू में आपका आ जाएगा लॉग ब्रेकेट के अंदर एक्स माइनस से एक्स के स्थान पर है टी माइनस 13 अपॉन 12 और माइनस ए के स्थान पर है आपका 5 अपॉन 12 अपॉन में आ जाइए एक्स प्लस ए एक्स के स्थान पर है टी माइनस 13 अपॉन 12 और प्लस ए ए के स्थान पर 5 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेंगे बस हमें आंसर मिल जाएगा और टी का मान भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इधर थोड़ा रफ करेंगे हम। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू देखिए 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 होगा ये 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा तो अपान में बचेगा 5 और ये आपका हो जाएगा लॉग ब्रेकेट के अंदर टी के स्थान पर हम टेन एक्स बाई टू पुट कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स बाई टू और माइनस का 13 अपान 12 है और माइनस का 5 अपान 12 है। पूरे के अपान में आ जाए इस ब्रेकेट को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। इस टी के स्थान पर हम पुट करेंगे टेन एक्स बाई टू और माइनस का 13 अपान 12 और प्लस का 5 अपान 12। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 5 लॉग ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए टेन एक्स बाई टू वैसे ही लिखा रहने देंगे इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 13 माइनस का 5 माइनस का 18 अपान में कितना हो जाएगा 12 पूरे के अपान में आ जाए। यह आपका हो जाएगा टेन एक्स बाई टू माइनस का 13 प्लस का 5 माइनस का 8 अपान कितना हो जाएगा 12। ठीक आगे और सॉल्व कर लेंगे। यह आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपान 5 लॉग ब्रेकेट देखिए 12 का मल्टीप्लाई 10 एक्स बाई टू से होगा तो 12 टेन एक्स बाई टू माइनस का 18 पूरे के अपान में 12 आएगा लेकिन ये 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इस 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 टेन एक्स बाई टू माइनस का 8। आप चाहो तो ऊपर नीचे कॉमन ले सकते हो 2 आपको कॉमन मिल जाएगा 1 अपॉन 5 लॉग ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रेकेट में बचेगा 6 टेन एक्स बाई टू माइनस का 9 और अपान में आ जाए 2 कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा 6 टेन एक्स बाई टू माइनस का 4। इतनी बात आप सभी को सुन में आ गई। अब ये आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन 5 और लॉग ब्रेकेट में आपको मिल जाएगा 6 टेन एक्स बाई टू माइनस का 9 अपान में मिल जाएगा 6 टेन एक्स बाई टू और माइनस का 4। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। फिर भी मैं तीनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। वैसे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर कॉस एक्स या साइन एक्स के हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करना है और उसके पश्चात उसको सरल करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन में जो फलन दिया गया है उसको आप आई के बराबर मान लीजिए। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान 5 प्लस 3 कॉस एक्स और इंटू में आपका हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर भी आप कॉस एक्स का क्या कीजिए हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू समाकलन 1 अपान 5 प्लस 3 कॉस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए इसका मल्टीप्लाई 5 से होगा और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर हो जाएगा
sec square x by 2 अपान में 5 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का मल्टीप्लाई tan square x by 2 से 5 tan square x by 2 और प्लस का 3 बन जा 3 और माइनस का 3 tan square x by 2 इनटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है ना। देखिए ये आपका हो जाएगा i equal to ऊपर हो जाएगा sec square x by 2 अपान में देखिए 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा 5 tan square x by 2 से 3 tan square x by 2 जाएगा प्लस का 2 tan square x by 2 और इनटू में आपका dx हो जाएगा। ओके आप ध्यान से देखिए यहां पर अगर हम देखें तो i equal to इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 upon 2 बाहर आ जाएगा ये आपका हो जाएगा sec square x by 2 अपान में 4 plus tan square x by 2 और इनटू में dx हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो i इक्वल टू 1 अपॉन 2 देखिए यहां पर आप क्या करोगे tan x by 2 इक्वल टू t मानोगे कितना मानोगे माना tan x by 2 इक्वल टू t तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 का अगेन करोगे 1 by 2 और dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt यानी sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 dt। वैल्यू पुट करोगे ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा देखिए ऊपर आपका हो जाएगा 2 dt 2 आपका बाहर आ जाएगा अचर पद है ये हो जाएगा dt अपान में इसको आप ले सकते हो 2 का होल स्क्वायर और इसको आपने t माना तो ये आपका हो जाएगा प्लस का t का होल स्क्वायर। ओके अब आप लोगों को हमने सूत्र बताया सूत्र आप लोगों को याद ही होगा सूत्र हमने बताया है यहां पर चूंकि क्या लिख देंगे समाकलन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू में dx ना होता है आपका 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस सूत्र को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर सबसे पहले आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन a a के स्थान पर कितना है 2 tan inverse x यहां पर x के स्थान पर t है और अपान में a के स्थान पर 2 है। ओके वैल्यू पुट कर देंगे t की 1 upon 2 tan inverse t की वैल्यू कितनी हमने मानी थी tan by 2 तो ये आपका हो जाएगा tan x by 2 और अपान में कितना हो जाएगा 2 ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा अब आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फिर मिलूंगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।